नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे प्यारे से परिवार हिस्ट्री अपडेट में। तो आज के वीडियो में बहुत ही खास चीज़ आप जानने वाले हो। तो हिंदू धर्म, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हिंदू धर्म सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म को बचाने वाले सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, जो हिंद दी चादर भी कहलाते हैं। तो आइए जानते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है खास। तो अब बात करते हैं गुरु तेग बहादुर जी के जन्म से। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके बचपन का नाम त्यागमल था। उनके पिता का नाम गुरु हरगोविंद सिंह था। वे बाल्यावस्था से ही संत स्वरूप, गहन विचारवान, उदार चित्त, बहादुर व निर्भीक स्वभाव के थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के नौवें गुरु थे, जिन्होंने धर्म व मानवता की रक्षा करते हुए हंसते हंसते अपने प्राणों की कुर्बानी दी। गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षा दीक्षा मीरी पीरी के मालिक गुरु पिता गुरु हरगोविंद साहिब की छत्र छाया में हुई। इसी समय उन्होंने गुरुवाणी धर्म ग्रंथों के साथ साथ शत्रुता, घुड़सवारी आदि की शिक्षा प्राप्त की। सिखों के आठवें गुरु हरिकृष्ण राय जी की अकाल मृत्यु हो जाने की वजह से गुरु तेग बहादुर जी को गुरु बनाया गया था। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। इस वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम तेग बहादुर, जिसका अर्थ होता है तलवार का धनी। एक समय की बात है, औरंगजेब के दरबार में एक विद्वान पंडित आकर गीता के श्लोक पढ़ता था और उसका अर्थ सुनाता था, पर वह पंडित गीता में से कुछ श्लोक छोड़ दिया करता था। एक दिन पंडित जी बीमार हो गए और औरंगजेब को गीता सुनाने के लिए उसके अपने बेटे को भेजा, किंतु उसे उन श्लोकों के बारे में बताना भूल गया जिसका अर्थ वहां दरबार में नहीं करना था। बाद में उसके बेटे ने जाकर औरंगजेब को पूरी गीता का अर्थ सुना दिया, जिससे औरंगजेब को ये स्पष्ट हो गया कि हर धर्म अपने आप में एक महान धर्म है, पर औरंगजेब खुद के धर्म के अलावा किसी और धर्म की प्रशंसा नहीं सुन सकता था। उसके सलाहकारों ने उसे सलाह दी कि वह सबको इस्लाम धारण करवा दे। औरंगजेब को ये बात समझ में आ गई और उसने सबको इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दिया था और कुछ लोगों को ये कार्य सौंप दिया। उन्होंने कहा कि सबसे ये कह दिया जाए कि इस्लाम धर्म कबूल करो या मौत को गले लगाओ। इस तरह की जबरदस्ती शुरू हो गई तो अन्य धर्म के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। इस जुल्म के शिकार कश्मीर के पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आ गए और उन्होंने बताया कि किस तरह इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए उन्हें दबाव बनाया जा रहा है और नए करने वालों को तरह तरह की यातनाएं और मौत की सजा दी जा रही है। हमारी बहु बेटियों की इज्जत को खतरा है। जहां से हम पानी भरते थे वहां हड्डियां फेंकी जाती है। हमें बुरी तरह मारा जा रहा है। कृपया आप हमारे धर्म को बचाइए। जिस समय वह लोग अपनी समस्या सुना रहे थे, उसी समय गुरु तेग बहादुर जी के 9 वर्षीय सुपुत्र बाला प्रीतम गुरु गोविंद सिंह वहां आए और पिताजी से पूछा, पिताजी यहां लोग इतने उदास क्यों हैं? आप इतनी गंभीरता से क्या सोच रहे हैं? गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों की सारी समस्याएं बताई और बाला प्रीतम से कहा, इसका निदान कैसे होगा? गुरु साहिब ने कहा, इसके लिए बलिदान देना होगा। बाला प्रीतम ने कहा कि आपसे महान पुरुष मेरी नज़र में और कोई नहीं है, भले ही बलिदान देना पड़े, आप इनके धर्म को बचाइए। तो बाला प्रीतम की बातें सुनकर वहां उपस्थित लोगों ने पूछा, अगर आपके पिताजी बलिदान दे देंगे तो आप यतीम हो जाएंगे और आपकी माँ विधवा हो जाएगी। बालक ने कहा कि अगर मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों लोग जो यतीम होने से बच सकते हैं और अकेले मेरी माँ के विधवा होने से लाखों माँ विधवा होने से बच सकती है, तो मुझे ये बिल्कुल स्वीकार है। फिर गुरु तेग बहादुर ने उस पंडितों से कहा कि जाकर औरंगजेब से कह दो, अगर गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धारण कर लिया तो हम भी कर लेंगे, और अगर हम उनसे इस्लाम धारण नहीं करा पाए तो हम भी इस्लाम धारण नहीं करेंगे और तुम हम पर जबरदस्ती नहीं कर पाओगे। औरंगजेब ने इस बात को स्वीकार कर लिया। गुरु तेग बहादुर दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में स्वयं चलकर गए। वहां औरंगजेब ने उन्हें तरह तरह के लालच दिए, किंतु बात नहीं मनी तो उन पर बहुत सारे जुल्म हुए। उन्हें कैद कर लिया गया। उनके दो शिष्यों को मारकर उन्हें डराने की कोशिश की और गुरु तेग बहादुर टस के मस नहीं हुए। बाद में उन्होंने औरंगजेब को समझाइश दी कि अगर तुम जबरदस्ती करके लोगों को इस्लाम धारण करने के लिए मजबूर कर रहे हो तो ये जान लो कि तुम खुद भी सच्चे मुसलमान नहीं हो।
क्योंकि तुम्हारा धर्म भी ये शिक्षा नहीं देता है कि किसी पर जुल्म किया जाए। औरंगजेब को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु साहिब के शीश को काटने का हुक्म दे दिया और गुरु साहिब ने हंसते हंसते अपना शीश कटाकर बलिदान दे दिया। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर एक गुरुद्वारा साहिब बना है जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। हिंदुस्तान और हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए शहीद हुए गुरु तेग बहादुर जी को प्रेम से कहा जाता है हिंद दी चादर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।